खबर आपको बता दें जहां पर मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। 11 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं पार्टी की ओर से, तो 5 नए चेहरों को टिकट दिया है। एमपी की 5 सीटों को बीजेपी ने फिलहाल होल्ड कर लिया, लेकिन लगातार जिस तरीके से सस्पेंस था वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ चुके हैं। इंदौर उज्जैन छिंदवाड़ा को अभी होल्ड किया गया है। इंदौर से शंकर लालवानी और पुष्यमित्र भार्गव प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बालाघाट में भी पार्टी नए चेहरे की तलाश कर रही है, ऐसे में इन सीटों को होल्ड किया गया। यहां पर अभी भी चिंतन मंथन का दौर हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद दूसरी लिस्ट भी जब सभी के सामने होगी जल्द ही। लेकिन उज्जैन से अभी अनिल फिरोजिया लोकसभा सदस्य है, ऐसे में उज्जैन सीट भी होल्ड कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान का नाम लगातार सामने आ रहा था, विदिशा से उनको उम्मीदवार बनाया गया, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया। तो देखिये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कहां से कौन प्रत्याशी है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया, तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना में अच्छी खासी पकड़ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ऐसे में उनको यहां से चुनावी समर बता रहा है। सागर से लता वानखेड़े को टिकट पार्टी ने दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को खजुराहो से फिर मौका मिला है। भोपाल से प्रज्ञा सिंह का टिकट कट गया, 6 सांसदों की टिकट कटे हैं। गुना से केपी यादव का टिकट भी पार्टी ने काट दिया, इसके साथ ही सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट भी पार्टी ने काटा है। तो ये मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं। रतलाम से जीएस डामोर का टिकट भी कट गया। तो 4 महिलाओं को भी मौका मिला है। भिंड से संध्या राय को टिकट दिया, तो सागर से लता वानखेड़े। कहा जा रहा था कि महिलाओं को भी तवज्जो देगी पार्टी, और देखिए 4 महिलाओं को टिकट मिला है। शहडोल से हिमाद्री सिंह को पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है, तो झाबुआ रतलाम से अनीता नागर सिंह को मौका दिया है। 11 नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में, विदिशा मुरैना और गुना में ये बदलाव हुआ है और यहाँ पर नए चेहरे, लेकिन अब अनुभवी ये नेता है। सागर की बात करें तो लता वानखेड़े, दमोह, जबलपुर, यहाँ पर ये नए चेहरे पार्टी की ओर से उतारे गए हैं। भोपाल में भी देखिए बदलाव हुआ है, आलोक शर्मा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, नए टिकट दिया गया। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा और झाबुआ रतलाम में भी ये बदलाव हुआ। पहली सूची की बड़ी बातें देखिए, 24 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, 6 सांसदों के टिकट कटे हैं, यानी कि मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। 5 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं पार्टी की ओर से। 4 महिलाओं को टिकट, यानी कि महिलाओं को भी तरजीह दी गई है लिस्ट में। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में होंगे, गुना से केपी यादव का टिकट कटा और इनकी जगह सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो खजुराहो से फिर बीडी शर्मा को टिकट दिया गया, भोपाल से आलोक शर्मा पूर्व महापौर रहे हैं, इनको टिकट दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार आप कह रहे थे कि 22 से ज्यादा सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा, 24 सीटों पर ऐलान हो गया है, जो सीटें बची हुई है वहां अभी क्या स्थिति है, कब तक दूसरी सूची सामने आ जाएगी? और पहली सूची पर गौर करें तो अनुभवी नेता भी नजर आ रहे हैं, नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 5 सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। 6 तारीख को फिर एक बैठक होना है, तो नामों की घोषणा हो जाएगी और कौन से वो नाम होंगे। लेकिन कुछ सीटें रही है जो अंदर खानों की खबरें हैं कि आपसी बड़े नेताओं के बीच में सामंजस्य की थोड़ी कमी है, एक दूसरे के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये तमाम तरह की चीजें रखी है। और इंदौर से तो ये कहा ही जा रहा है वहां किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारना है, तो सबसे ज्यादा चर्चा है। और मानकर चलिए कि इंदौर से किसी महिला प्रत्याशी को ही मनाया जाएगा, लेकिन हम बात करें उज्जैन की तो वहां से अनिल फिरोजिया आते हैं। अनिल का अच्छा वो रहा है, लेकिन अंतिम दौर में जो भी चीजें रही बड़े नेताओं के बीच का जिसका मैं जिक्र करता हूं, उसके कारण उनका टिकट अभी रोका गया। संभावना यह है कि उस सीट पर भी किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाएगा, कल हम लगातार कह भी रहे थे, लेकिन अंतिम दौर में ये दोनों नाम रुके हैं। और ढाल सिंह बिसेन और गौरीशंकर बिसेन के बीच में हमेशा से तनातनी चलती रही, लगातार ये कहते कहा जाता रहा, तो यहाँ किसी नए नाम पर विचार चल रहा है और संभावना यह है कि यहाँ भी किसी महिला पर मौका दिया जा सकता है। छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ की सीट है, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है, लेकिन दो नाम सबसे आगे है वहां मोनिका
की बात करें मोनिका बट्टी जो कांग्रेस ज्वाइन किया था, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर आई थी, निर्दलीय थी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी की नेता थी, छोड़कर आई थी भारतीय जनता पार्टी में, विधायक भी बनी है। और उसके अलावा बंटी साहू का नाम है जो वहां की जिलाध्यक्ष है। धार से जरूर किसी महिला टिकट देने की बात कर रहे हैं, जयदीप की चर्चा खूब है, जयदीप पटेल जो अलीराजपुर से आती कुक्षी से, उनके नाम की चर्चा भी है। तो हमें लगता है बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 6 तारीख को सीएसी की बैठक है और किसी भी पल 2-3 दिन के अंदर ये सूची आ जाएगी। बिल्कुल, 5 सीटें अभी होल्ड कर दी गई, हालांकि जल्द ही दूसरी सूची भी हम सभी के सामने होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और बातचीत के लिए।